हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ इस पैटर्न को आप जेंट्स आप स्वेटर फुल स्वेटर जैकेट लेडीज़ स्वेटर कार्डिगन कोटी गर्ल्स स्वेटर गर्ल्स टॉप कैप ब्लैंकेट आदि में अप्लाई कर सकते हैं बन के बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटर्न बना के कंप्लीट करेंगे बॉर्डर पैटर्न कम्प्लीट होने के बाद स्टार्टिंग में हमने दो बेस रो बना के कंप्लीट करनी है बेस रो कम्प्लीट होने के बाद हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टीपल में फंदे डालने हैं प्लस हमने फोर फंदे एक्स्ट्रा डालने दस नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से देखिए फर्स्ट रो पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतार लेना है धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे अब नेक्स्ट अपने यही प्रोसेस रिपीट करना है दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट में हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट बेस रो कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से देखिए सेकंड बेस रो अब सेकंड बेस रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे आएंगे फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे आ जाएंगे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखिए रॉन्ग साइड से हमारी सेकेंड बेस रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो अब पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे अब देखिए नेक्स्ट देखिए जो ये दो सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं इसमें हमारा पैटर्न आएगा इन दोनों फंदों को आगे करेंगे ऐसे स्पेस में आएंगे देखिए फर्स्ट होल छोड़ेंगे और सेकंड होल में ये देखिए जो ये सेकंड होल दिखाई दे रहा है इसमें हम सिलाई डालेंगे और एक मीडियम लूज फंदा बना लेंगे अब नेक्स्ट हमने दो फंदे सीधे बुनने ये देखिए अब नेक्स्ट हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे नेक्स्ट देखे इन सीधे फंदों में हमारा पैटर्न आएगा इन दोनों फंदों को आगे करेंगे ऐसे स्पेस इस में इसमें देखिए फर्स्ट होल छोड़ेंगे और सेकेंड होल में सिलाई डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे फिर इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे फिर नेक्स्ट देखिए दो फंदे उल्टे फिर दो फंदों में पैटर्न आएगा तो देखिए इन दोनों फंदों को आगे करेंगे और ऐसे स्पेस में फर्स्ट होल छोड़ेंगे और सेकंड होल में देखिए सेकंड होल में सिलाई डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आएंगे एक फंदा सीधा तो देखिए ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई अब देखिए रॉन्ग साइड से पैटर्न के रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड अब देखिए नेक्स्ट हमारे पैटर्न वाले फंदे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा बैक साइड से भी पैटर्न आएगा इन दोनों फंदों को आगे करेंगे और देखिए जो स्पेस है यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे बैक साइड की तरफ से ये देखिए इस तरीके से और एक मीडियम लूज फंदा बना लेंगे अब नेक्स्ट हमने दो फंदे उल्टे बुनने एक दो फिर देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे अब नेक्स्ट हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे बुनेंगे नेक्स्ट पैटर्न आएगा देखिए इन दोनों फंदों को आगे करेंगे एक दो तो देखिए जो स्पेस है यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे बैक साइड की तरफ से और एक मीडियम लूज फंदा बना लेंगे फिर नेक्स्ट हमने दो फंदे उल्टे बुनने और एक्स्ट्रा फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड नेक्स्ट पैटर्न आएगा तो देखिए एक दो इन दो फंदों को आगे करेंगे और बैक साइड की तरफ से देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई डालेंगे और एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे फिर नेक्स्ट हमने दो फंदे उल्टे बुने फिर देखिए जो मीडियम लूज फंदा है इसको बिना बुने उतारेंगे फिर देखिए नेक्स्ट हमारे लास्ट में दो सीधे फंदे आएंगे और एक उल्टा फंदा आ जाएगा तो देखिए रॉन्ग साइड से हमारी पैटर्न की सेकेंड रो कंप्लीट हो गई फ्रंट साइड से देखिए थर्ड रो पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब नेक्स्ट हमारे पैटर्न वाले फंदे आ जाते हैं तो देखिए एक्स्ट्रा फंदा और बुना हुआ फंदा इन दोनों को एक साथ बुनेंगे बैक साइड की तरफ से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे फिर नेक्स्ट दो का एक करेंगे ये देखिए फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे फिर दो का एक करेंगे फिर नेक्स्ट हमारा पैटर्न वाले फंदे आ जाते दो का एक करेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न वाले फंदे आते हैं तो एक्स्ट्रा फंदा और बुना हुआ फंदा दोनों को एक साथ बुनेंगे फिर नेक्स्ट देखिए एक बुना हुआ फंदा और एक एक्स्ट्रा फंदा दो का एक करेंगे फिर लास्ट में दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखिए ये फ्रंट साइड से पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से देखिए फोर्थ रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे फिर दो फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे लास्ट के दो फंदे सीधे बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे तो रॉन्ग साइड से ये हमारी पैटर्न की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो अब फिफ्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा फिफ्थ रो को हम पैटर्न की फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे अब हमने इन्हीं चार सिलाइयों के पैटर्न को बार बार रिपीट करते जाना है और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान पैटर्न है आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू